आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा पुलिस ने आज एक मानवता की मिसाल कायम करते हुए जन्म के बाद मिछड़े नवजात को मां से मिलवाया है। दरअसल मुंबई से रीवा आई महिला के जन्मे नवजात को अगवा करने के बाद पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर मां के सुपुर्द कर दिया है। जन्म होते ही मां से बिछड़े नवजात को रीवा एसपी राकेश सिंह के निर्देश पर महिला थाना पुलिस ने बिछड़े नवजात को मां से मिला दिया है। दरअसल मामला रीवा के महिला थाना का है, जहां महाराष्ट्र के मुंबई से रीवा आई महिला ने एक नवजात को जन्म दिया था और उसके बाद ही नवजात को उसी महिला के परिवार के मौसा ने उसे अगवा कर लिया। बच्चे को जन्म देने के बाद उसे देखने और गोद में खिलाने की तड़प लेकर घूम रही एक मां ने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, जहां रीवा एसपी राकेश सिंह बच्चे के लिए मां की तड़प को देखकर खुद को रोक नहीं पाए और बच्चे की तलाश के लिए महिला थाना को निर्देश जारी कर दिया। एसपी के निर्देश पर महिला थाना प्रभारी आराधना सिंह सहित उनके स्टाफ ने नवजात को अगवा करने वाले की तलाश शुरू की और पता साजी करते हुए महिला के ही मौसा संदीप सिंह के रीवा स्थित घर जा पहुंची। पुलिस ने नवजात को मौसा से छुड़ाकर बच्चे के लिए तड़प रही एक मां के गोद में डाल दिया। रीवा पुलिस की इस मानवता को देखकर पीड़ित महिला ने बच्चे को पाकर उससे लिपट गई और पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया है। गौरतलब है कि रीवा पुलिस ने जन्म के बाद से ही बिछड़े नवजात को मां से मिलवाकर एक मानवता की मिसाल कायम की है। पुलिस के इस सराहनीय प्रयास में टीम में शामिल महिला प्रधान आरक्षक कौशल्या, महिला आरक्षक दिव्या सिंह, आरक्षक रामबाण सिंह सहित अन्य की सराहनीय भूमिका रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकिता है। हाँ। पति का नाम प्रेम घोड़के है। हाँ। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। हाँ। मामा की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई सत्र आई थी। मौसा जी कहाँ रहते हैं? उमरिया। हाँ, रीवा कब आए थे? रीवा हम लोग 3-4 दिन आए। तो वो कहाँ का रहने वाला है? उमरिया के रहने वाले हैं, रीवा में आए थे। रीवा में उनका घर है। हाँ। वहाँ आए हम लोग। हाँ। मेरा बच्चा ले लिया, मैं बच्चा नहीं देते, तो मैं महिला थाना में आके कंप्लेन डाली। हाँ। पुलिस ने मेरी मदद की, मेरा बच्चा दिलाए। अच्छा, इसलिए मेरी पुलिस का धन्यवाद करती हूँ। ठीक।